दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। गगरेट पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक चैतन्य शर्मा ने अपना 5 सूत्रीय एजेंडा उठाया है। चैतन्य शर्मा ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर गगरेट व दौलतपुर चौक में बढ़ती ट्रैफिक को देखते हुए यहां फ्लाईओवर के निर्माण के लिए केंद्र से बजट दिलाने की मांग की, तो भंजाल में चिरलंबित केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुठेड़ा जसवाला में शिक्षा विभाग के नाम खाली पड़ी भूमि है, वहां पर खेल परिसर का निर्माण किया जाए। उन्होंने जीतपुर बेहड़ी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का कार्य भी शीघ्र शुरू करवाने की मांग की तथा गगरेट के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल सके। ब्यास बेसिन के खड्डों के चैनलाइजेशन के लिए भी केंद्र सरकार से बजट दिलाने की मांग की। द्रोण महादेव शिव मंदिर शिवबाड़ी को विकसित करने के लिए भी केंद्र योजना से बजट उपलब्ध करवाने की वकालत की। विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि वह अब दिल्ली में जाकर अनुराग ठाकुर से फिर से मुलाकात करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, आपकी क्या था उसमें, किस बात के विषय को लेकर? जी, आज हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और साथ में हमारे एमपी भी हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के श्री अनुराग ठाकुर जी, आज उनका अपने पार्टी के कुछ संदर्भ में जो है यहाँ प्रोग्राम था, तो हमने भी उनसे 5 मिनट का टाइम लिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। और मेरे विधायक बनने के बाद जो है वो पहली बार उनका गगरेट का जो था दौरा हुआ, तो इसी के अंतर्गत हमने उनसे टाइम मांगा। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे थे, मुख्य मुद्दे जो मैंने उनके समक्ष रखे हैं, 5 चीज़ें जो है हमने उठाई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में चाहे दौलतपुर हो चाहे गगरेट हो, और गगरेट में तो अभी हमने बीते दिनों में देखा भी महाशिवरात्रि पे कि ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन जो है कहीं ना कहीं वर्सन होती जा रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात पर चर्चा करी थी, वी आर प्रपोजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ DPR, चाहे वो फ्लाईओवर के माध्यम से हो चाहे वो बाईपास के माध्यम से हो। एंड अगेन मैं ये भी बात आपको बताना चाहूँगा कि वी विल फर्स्ट टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जितने भी हमारे वहाँ के दुकानदार हैं, उनसे राय मशवरा करके और फिर जो हमारा प्लान बनेगा देन हम उसको आगे लेके जाएंगे। पहली रिक्वेस्ट हमने ये रखी थी। दूसरा, आप सब जैसा जानते हैं कि स्वा चैनलाइजेशन का जो अगला फेज है वो अब आरंभ होने जा रहा है, उसका दिसंबर में बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट 350 करोड़ का ऑलरेडी बजट सैंक्शन हो गया था। सो अब हमने सर से रिक्वेस्ट करा है हमारे MP महोदय से कि वो हमें इंश्योर करें कि वो जो फंड है वो भी रिलीज हो जाए। तीसरा, इसी के साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल स्कूल भंजाल में आज से करीबन 2-2.5 साल पहले जो है घोषित करा गया था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके ऊपर कोई आगे जो है कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। ट्रांसफर ऑफ लैंड हो चुका है परंतु देर इज नो अदर एक्शन दैट इज बीन टेकन, तो हमने सर से वो भी अनुरोध करा है कि उसके ऊपर भी एक्शन हो। चौथा, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले IOCL के द्वारा जो है एक एथेनॉल प्लांट जो है यहाँ पर डेजिग्नेट करा गया था, उसका लैंड एलोकेशन हो चुका है, परंतु अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें रोल आएगा। हमारे MP सर से हमने रिक्वेस्ट करा है कि हमारा जो भी उसमें सपोर्ट चाहिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट चाहिए होगा, मी बीइंग दी MLA ऑफ दी एरिया, वो हम सारा जो है उनको पूरा सहयोग देंगे एंड उसके ऊपर एक्शन हो। फिफ्थ, जो एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है शिवबाड़ी का, और हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी है, हमारे प्रधान जी भी हैं, ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द शिवबाड़ी की जो हमारी यहाँ की सारे हमारे स्थायी निवासियों की कमेटी है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जिस तर्ज पे चिंतपूर्णी का डेवलपमेंट हुआ है, एटलीस्ट ऑन दोज लाइन्स हम शिवबाड़ी को डेवलप कर सकें। और यहाँ पर ऑर्गेनिक श्रद्धालु जो है, अभी SDM साहब ने भी अवगत कराया MP महोदय को कि अराउंड 20-25,000 का तो फुटफॉल अभी हुआ था ओनली ड्यूरिंग महाशिवरात्रि, तो अगर हम इसको थोड़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं प्रमोशन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गगरेट से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।